अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल हमने जहाँ भी फिनिश किया था, वी स्टडीड कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है, फिर कंटेंट मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग हमने डिफरेंशिएट किया कि सेलिंग और कंटेंट मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, और कंटेंट होता क्या है, बेसिकली किस चीज़ में हमारी मदद करता है, कितना इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको कल भी समझाया कि कोई भी चीज़ जो आप सोशल मीडिया पर पुट करते हैं, दैट मेक्स सेंस, और जो आपके टॉपिक से, आपके बिजनेस से, ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी फील्ड का कोई भी चीज़ डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है और आपका बिजनेस पेज है, और आप एक शू मैन्युफैक्चरिंग या शूज़ से रिलेटेड एक कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप शूज़ से रिलेटेड ही कंटेंट पुट करेंगे। या आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, उससे रिलेटेड जो है कंटेंट, वो आपको शेयर करना है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप टेक्स्ट शेयर कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं अपने पोस्ट का, वो भी कंटेंट है। आप इमेज पोस्ट कर रहे हैं, कंटेंट है। वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, कंटेंट है। इनफैक्ट ऑडियो भी कंटेंट है। तो वो सब चीज़ें हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। फिर मैंने आपको कहा था कि हम अगले दिन 411 रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब ये क्या है? ये इज अ रूल ऑफ, एक तो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी रूल है और एक सोशल मीडिया शेयरिंग का भी रूल है। तो 411 ही रूल है ये। उसमें क्या होता है, अगर आप ऐसे इमेज पे देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। से फॉर एग्जाम्पल, आप 6 स्लाइसेस कर रहे हैं पिज्ज़ा के, तो उस पिज्ज़ा में से जो 4 स्लाइसेस है वो एजुकेशनल कंटेंट के होंगे, जो कि मैं आपको अभी समझाऊंगी क्या होता है। एक पीस जो है वो हार्ड प्रमोशन का होगा। हार्ड प्रमोशन आपको पता होगा, हार्ड सेलिंग भी बोलते हैं हम इसको, जिसमें हमारा एम जो होता है, फोकस जो होता है, वो सिर्फ सेलिंग पे होता है। तो आप ऑफर्स, प्रमोशंस, कूपन कोड्स, ऐसी ऐसी चीज़ें, अट्रैक्टिव चीज़ें अपने पोस्ट में डाल दें। दिस इज़ अबाउट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। मतलब ये आपको बता रहे एक रूल जो आपको फॉलो करना चाहिए जब आप सोशल मीडिया पे कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना बिजनेस शुरू किया रेस्टोरेंट का, या आपने अपना बिजनेस शुरू किया आप एक से फॉर एग्जाम्पल आप क्लोथिंग बेच रहे हैं, ठीक है, आपका फैशन से रिलेटेड है स्टोर, तो उसमें आप जेंट्स क्लोथ्स बेच रहे हैं, ऐसे करके चलते हैं। फॉर लेडीज यू कैन कीप लेडीज स्टोर, एंड फॉर जेंट्स यू कैन कीप जेंट्स स्टोर, और हाउ एवर यू आर कंफर्टेबल। तो अब क्या होगा, अब आपको पोस्ट करना है, आपका एक पेज ऑलरेडी है क्लोथिंग से रिलेटेड, आप क्या पोस्ट करेंगे? तो इस चीज के लिए एक रूल क्रिएट किया गया है। ये कितना बढ़िया रूल है, और इसका जो इसे क्या कहते हैं, रेशियो 4:1:1, ये इसलिए बनाया गया है कि ताकि आपको मैक्सिमम एंगेजमेंट मिले, मैक्सिमम ट्रैफिक मिले, लोग अट्रैक्ट हो जाए आपके कंटेंट से। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम राइटर्स हैं, अब हमने हर दिन हम लिख रहे लिखे जा रहे हैं, पोइम्स लिख रहे हैं, पोइट्री लिख रहे हैं, प्रोजेस लिख रहे हैं, तो इट गेट्स बोरिंग आफ्टर अ वाइल। अगर आप सेम चीज़ बार 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 करते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं। तो आपको उस चीज़ में भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ता है। उस चीज़ के लिए एक रूल निकाला गया था, 411 रूल, जिसमें 4 दफ़ा आप जब पोस्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको 6 पोस्ट करने, ऐसे आपको इजीली समझ आएगा, आपको अपने इंस्टाग्राम के पेज पे या फेसबुक पे 6 पोस्ट करने, तो 6 में से जो 4 पोस्ट है वो आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं होगा। अब जरूरी नहीं है कि आप ये रूल फॉलो करें, नहीं, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नहीं। दिस इज फॉर पीपल जिनको, जो एमेच्योर्स होते हैं, जिनको नहीं पता अपनी ऑडियंस को कैसे इंगेज करना है और ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट कैसे लानी है, उनके लिए ये बहुत कामयाब रहता है, ठीक है। तो आप 4 बारी पोस्ट करेंगे क्यूरेटेड कंटेंट। अब क्यूरेट का क्या मतलब होता है? जमा करना। अब क्यूरेटेड कंटेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं आपकी फील्ड में आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो आपसे रिलेटेड है या जो आपसे आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ एक, और मैं विंटरफेल हूँ, रेस्टोरेंट ले लेते हैं, मैं विंटरफेल हूँ और एक और कैफे है जेलम कैफे या अदर साइड कैफे है, ठीक है, 2 कैफे हो गए। अब अगर आप इस रूल के हिसाब से चलेंगे, कॉम्पिटिशन अपनी जगह है, लेकिन आप एक और चीज रख सकते हैं, आप एक बेकिंग कॉम्पिटिशन रख सकते हैं। आप बेकिंग कंपटीशन से क्या होगा, आप उसमें जैलम कैफे को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, आप उसमें लिबर्टी कैफे को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। उस सब से क्या होगा, जब आप दूसरे कॉम्पिटिटर्स को अपने और दूसरी फील्ड के लोगों को अपने पेज पे इंट्रोड्यूस करेंगे या अपने पेज पे लेके आएंगे, उनका भी जो उनके जो फॉलोवर्स होंगे या उनकी जो एंगेजमेंट है, वो भी आपके पेज पे आ जाएगी।
understand this. When you tag some other person or when you tag an influencer or your competitors, उनके जो followers होंगे वो भी आपको देखना शुरू करेंगे. तो cross marketing से आपका भी engagement बढ़ रहा है. और ऐसा भी हो रहा है कि आपके फॉलोअर्स को नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं. ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में लिखे जा रहे हैं, हम ये देते हैं, हम वो ऑफर करते हैं, हमारे ये प्रोडक्ट्स है, वो सर्विसेज है. वो तो होगा ही होगा आपके पेज पे. हुएवर इज़ फॉलोइंग यू मस्ट ऑलरेडी नो कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, इसलिए वो आपको फॉलो करें. लेकिन यू ऑल्सो वॉन्ट टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ एज अ थॉट लीडर. आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे खुद को एस्टैब्लिश करें लोगों के सामने कि वो समझे कि नहीं, सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं, हम एज एन एंटरटेनिंग फैक्टर भी इनको फॉलो करें. तो आप वो चीज़ कर सकते हैं. चार बारी यू हैव टू पोस्ट कंटेंट दैट इज़ नॉट योर ओरिजिनल कंटेंट, मतलब ओरिजिनली आपका नहीं है. आप बाकी सबको भी उसमें टैग कर रहे हैं. कोई कॉम्पिटिशन हो गया, कोई इवेंट हो गया, उसमें आप सबको इन्वाइट कर रहे हैं. ऐसे करके आप सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद जो वन है हार्ड प्रमोशन, उसमें क्या होता है, उसमें आप अपना क्यू अपना ओन कंटेंट रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब आपने क्या किया काम, आपने कमीज सलवार, आपकी क्लोदिंग की शॉप है तो आपने नए जैकेट्स या नए कमीज सलवार इंट्रोड्यूस किए, पाकिस्तानी कमीज सलवार ले लीजिए. ठीक है, तो अब जब आप ये पोस्ट कर रहे हैं, इसको आप या तो डिस्काउंट से या तो ऑफर से या तो That is directly aimed at selling. मतलब आप चाहते हैं कि आपके आपका जो पोस्ट है वो जो ही आपके फॉलोअर्स देखे वो बोले अरे ये तो डिस्काउंट पे मिल रहा है, ये तो खरीदना बहुत ज़रूरी है, क्या इसका तो बहुत अच्छा स्टाइल है, अभी तो मुझे प्रमोशनल कोड मिल रहा है, ये ज़रूरी खरीदना है. वैसे कर सकते हैं आप. तो और क्या होता है, आपको यूनिक हाई क्वालिटी कंटेंट भी पोस्ट करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से कस्टमर्स बार बार आपके पास आए और अट्रैक्ट हो जाए. अब ये हो गया ओन कंटेंट और ये हो गया क्यूरेटेड कंटेंट. उसके बाद आपका है सॉफ्ट प्रमोशन, जहां आप क्या करते हैं, आप प्रमोशन पे भी एम करते हैं और आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह भी देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे मैंने कहा पाकिस्तानी कमीज सलवार है, अब जूतियां बेच रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल आपने अपने जो फैशन स्टोर है आपका उसमें आपने जूते भी रखे, अब आप जूते बेच रहे हैं तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे आप कि किस लेदर से बना है, कहाँ से आप लेके आए हैं, फ्रांस से, मेड इन फ्रांस है, मेड इन इटली है, कितना ड्यूरेबल है, प्राइस क्या है. प्राइस ना भी रखे तो ठीक है, कंसील कर सकते हैं, दैट अमाउंट्स फॉर अ एक्साइटिंग या यू नो क्यूरियोसिटी फैक्टर भी रख सकते हैं. लेकिन फिर जब आप अपना सॉफ्ट प्रमोशन में जब आप अपना पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं, आप साथ साथ उसमें हल्का प्रमोशन कोड भी डाल देते हैं कि अगर आप क्या कहते हैं गिव अवेज रख सकते हैं, ईमेल्स रख सकते हैं. ये सब चीज़ें यू कैन एम एट फॉर पीपल टू गेट अट्रैक्टेड टू योर कंटेंट एंड एक्चुअली जनरेट एंगेजमेंट फॉर योर कंटेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस लोग आ गए, देखा आपका क्या पोस्ट किया है, अरे ये तो जूते ही पोस्ट करते रहते, ये तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते रहते, दैट्स इट. करनी है बात प्रोडक्ट के बारे में भी करनी है, बिकॉज दैट इज वॉट योर बिजनेस इज अबाउट. आपको रेलिवेंट कंटेंट भी देना है, लेकिन इन डूइंग दैट आपको ऐसी भी चीजें रखनी है जिसकी वजह से अदर देन योर बिजनेस लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके आपके पेज पे आने से. दे वॉन्ट टू लाइक एंड फॉलो यू, नॉट ओनली क्योंकि आप प्रोडक्ट की इमेजेस शेयर कर रहे हैं या आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, बट ऑल्सो बिकॉज आप जनरली एक एंटरटेनिंग पेज भी है. सो दैट्स दैट. अच्छा, जब आप इंफॉर्मेशन भी, जब हम एजुकेशनल कंटेंट की भी बात करते हैं, एक तो आप क्या करते हैं, आप क्यूरेटेड कंटेंट लगाते हैं कि आप दूसरों का को अपने पेज पे लेके आते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स वगैरह. और एक चीज़ आप कर सकते हैं एजुकेशनल कंटेंट में, क्या आता है, जनरल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब आपने पाकिस्तानी सूट्स की कलेक्शन डाल दी, अब आप ये भी कंटेंट डाल सकते हैं हाउ टू वॉश देम, हाउ टू नॉट लूज कलर, ऐसे भी कर सकते हैं. ये पोस्ट भी हो सकता है एक कि जब भी आप धोने जा रहे हैं अपने कपड़े, हर बार तो हर कोई ड्राई क्लीन नहीं करवा सकता है ना, तो जब आप धो रहे हैं तो इस तरीके से धोएंगे, इट विल रिटेन द कलर एट मोस्ट, तो आपको नुकसान नहीं होगा. या हाउ टू वेयर इट, डिफरेंट स्टाइल्स टू वेयर इट. अब आप कमीज सलवार तो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके स्टाइल्स भी पोस्ट कर सकते हैं, आप ऐसे पहन सकते हैं वैसे. तो क्या होगा, आपको इसीलिए सिर्फ लोग फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट सेल करते, इसलिए भी करेंगे क्योंकि आप उनको स्टाइल स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, कैसे पहनना है, क्या पहनना है भी, और उसके साथ मैचिंग घड़ी कौन सी पहन सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें. देखें, जो मैंने अभी आपको कहा कॉम्पिटिटर्स को ऐड कर सकते, कैसे कर सकते,
ताकि उनको एतराज भी ना हो कॉम्पिटिटर्स को कि हमें बार बार ऐड कर रहे, और वो खुश भी हो जाए क्योंकि आप उनको फीचर भी कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको भी फीचर करे कल को। फॉर एग्जाम्पल आप सूट बेच रहे हैं जेंट्स के लिए, अब आपने सूट की पिक्चर चढ़ाई किसी एक अच्छे से मॉडल को पहना के, और आपने डिफरेंट लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, कभी बो टाई पहनाई, कभी नॉर्मल टाई पहनाई, कभी वेस्ट कोट के साथ पहना दिया, और फिर एक बहुत ही ज़्यादा क्लासी जूते में और घड़ी और यू नो शेड्स पहन के, एंड यू कैन जो शेड्स और घड़ी उसमें आपने पहनी है उसके ब्रांड को आप टैग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल घड़ी फास्ट ट्रैक की है या रोलेक्स की है या जो भी घड़ी आप पहन रहे हैं उनको टैग कर सकते हैं, तो उनके जितने भी फॉलोअर्स है दे ऑल्सो गेट टू नो कि आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं। तो हु एवर हैज दैट शेड्स, अगर किसी के पास वो शेड है या किसी के पास वो घड़ी है, दे वुड ऑल्सो से कि नहीं ये सूट के साथ तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है, यू नेवर नो। वैसी वैसी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद मूविंग ऑन, जब आप ये सब आप कंटेंट, तो रूल है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप नहीं आपको यही फॉलो करना है, एवरीबडी डिसाइड्स फॉर देमसेल्व्स कि उनको क्या सही लगता है, तो वैसा इज इम्पॉर्टेंट। मैंने ये भी देखा है कि पॉलो कोलो, आपने नाम सुना होगा, ही इज एन ऑथर, वो क्या करते हैं, वो उनका क्या क्यूरेटेड कंटेंट का प्रोसीजर है, वो एक ट्वीट, वो दिन में 3 ट्वीट करते हैं या 4 ट्वीट करेंगे, उसमें से 2 जो है वो अपनी मदर लैंग्वेज में करते हैं, आई डोंट नो इफ ही स्पैनिश और इटालियन, बट वो 2 ट्वीट जो है अपनी मदर लैंग्वेज में करते हैं, एक इंग्लिश में करते हैं और एक कोट पोस्ट करते हैं। तो दैट इज हाउ यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ कि आप अपने मदर लैंग्वेज वाले लोगों को, जो ओरिजिनल स्पैनिश पीपल है उनको भी खुश कर रहे हैं क्योंकि आप स्पैनिश में ट्वीट कर रहे हैं, आप आपके जो इंग्लिश फॉलोअर्स हैं और फैंस हैं उनको भी खुश कर रहे हैं, और जो जनरली आपके आपकी बुक्स लाइक करते हैं, आपकी बुक में से एक्सर्प्ट्स लेते हैं, एक्सर्प्ट्स मतलब जब आप कोई एक छोटा कोट आपको अच्छा लगता है वो आप उठा के पोस्ट कर देते हैं किसी एक बुक में, ठीक है। दैट इज दैट, वो गई एग्जाम्पल। और उसके बाद आई विल लिंक बिलो 411 का जो एक्सटेंसिव, आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू, मैं एक लिंक पोस्ट कर दूंगी, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में समझना चाहते हैं इसका कैसे क्या कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है हर किसी बिजनेस के लिए, एक आधी लिंक आती है तो मैं आपको वो पोस्ट कर दूंगी, या तो फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं 411 रूल फॉर सोशल मीडिया और 411 रूल फॉर कंटेंट, ऐसे भी अगर आप गूगल में सर्च कर देंगे तो यू विल हैव प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स जो आपको बताएंगे कैसे इस्तेमाल करना है। फिर आपके यहाँ हायरिंग रिसोर्सेज फॉर कंटेंट मार्केटिंग, वी विल स्विफ्ट थ्रू दिस वेरी स्विफ्टली क्योंकि दिस इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, या कल को अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप एक फ्रीलांसर की तरह काम करना चाहते हैं, तो अब आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप कंपनीज को अप्रोच करने, फिर आपको कंटेंट के लिए एक टीम चाहिए, या तो आप खुद भी कंटेंट क्यूरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप में कितनी काबिलियत है या आपके पास टाइम कितना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, कश्मीर की बात करते हैं, खाइबर ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया कि उनका जो खाइबर रिजॉर्ट है उसके लिए आपको एक पेज बनाना है, सोशल मीडिया करना है और गूगल एड्स के लिए वो आपको फॉर एग्जाम्पल हायर करते। फिर अब आपको इतना ही नहीं करना है, दे विल नॉट गिव यू पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, मे बी दे विल, अच्छी अच्छी पिक्चर्स आपको दे देंगे, लेकिन वो कंटेंट आपको बना के जो पोस्ट करना है इट इज नॉट जस्ट अबाउट पिक्चर्स, उन्होंने आपको आपकी बेस्ट पिक्चर्स खाइबर रिजॉर्ट की दे दी, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, अच्छा नहीं वीडियो भी होना चाहिए जो यूट्यूब पे जाएगा, अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो इंस्टाग्राम पे जाएंगी, अब आपकी टूरिस्ट की पिक्चर्स भी होनी चाहिए जो आप फीचर्ड कंटेंट में डालेंगे कि कितने लोग यहाँ आए हैं, उनके रिव्यूज आप वेबसाइट पे डालेंगे, तब जाके आप गूगल एड्स करेंगे, इट इज नॉट जस्ट कि पिक्चर्स आ गई बस पोस्ट हो गया, अब आपको अपना दिमाग भी लगाना है कौन सी कौन सा कंटेंट किस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, फिर ये कंटेंट बनाना भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल उनने आपको बोल दिया कि आप एक पेज भी बना दो, वेब पेज जिसपे आप जो कि है टूरिस्ट वगैरह का जो भी है वो आप उस पर डाल दोगे, अब आपके पास हो सकता है उनके पास डेवलपर हो सकता है उनके पास नहीं हो, इन एनी केस कंटेंट बनाना आपको है, वो वेब पेज पे डालता कौन है दैट्स डिफरेंट, लेकिन बनाना तो आपको है, अब आप टूरिस्ट से बात करेंगे, उनसे उनके फीडबैक्स लेंगे, रिव्यूज लेंगे, फिर उनको क्यूरेट करेंगे, फिर वो डेवलपर को देंगे, तब जाके वो वेबसाइट पे डाल देगा, ये सब चीजें करनी आपको है, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस आपको लिखने, कंटेंट आपको लिखना है, टाइटल आपको लिखना है,
ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अब आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि क्या आप एक हफ्ते के अंदर ये सब कर सकते हैं. नॉट ओनली क्यूरेटिंग कंटेंट, कंटेंट लाना, बनाना, उसको फॉर्म करना, उसके बाद उसको पोस्ट भी करना. तो ये सब चीज़ों के लिए फॉर एग्जाम्पल आपको खाइबर ने डेडलाइन दी है, एक हफ्ते के अंदर हमें ये लाइव हो जाना चाहिए सब कुछ. तो दैट इज योर जॉब. अब इधर यू कैन हायर अ कंटेंट टीम बिकॉज दे गेट योर जॉब डन वेरी इजीली एंड फास्ट. आप उनको बोल सकते हैं मुझे इतने 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 टाइटल डिस्क्रिप्शन चाहिए, मुझे ये वीडियो क्यूरेट करके दीजिए, मुझे इसमें इफेक्ट्स डाल के दीजिए. तो वो आपको बाय द एंड ऑफ 2 days और 3 days दे देंगे. वाई? बिकॉज दे हैव अ कंटेंट टीम. उनके पास सिर्फ एक कंटेंट मैनेजर नहीं होता, उनके पास एक टीम होती है. और उस टीम में कौन कौन होता है वो हम अभी देखेंगे. अब या तो आप ये खुद कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता है. और वी ट्रस्ट कंटेंट टीम्स क्योंकि उनको बहुत टाइम से एक्सपीरियंस भी होता है और उनको पता होता है कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सा कंटेंट जाता है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम्स हम हायर ही करते हैं कंटेंट टीम्स को अपने कंटेंट क्यूरेट करने के लिए. अब आपके पास दो टीम है, या तो आप इंटरनल टीम हायर करें या तो आप एक्सटर्नल टीम हायर करें. ठीक है, अब इंटरनल टीम में क्या आता है और एक्सटर्नल टीम में क्या आता है. मेनली आपका क्या होता है, जो आपकी बेसिक कंटेंट की टीम होती है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ ऊपर से ताकि आप भी बोर नहीं हो. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल बट आई विल टेल यू कि एक कंटेंट टीम में कौन कौन होता है. एक तो आपका मैनेजर होता है, या तो कंटेंट मैनेजर होता है या तो प्रोडक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, जो कि आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है उसको हेड करता है. ठीक है, मैनेज करता है. उसके बाद रिसर्चर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि गूगल पे जाके या सर्च इंजन पे जाके बेसिक रिसर्च करे कि आपका जो कंपनी है वो अभी कितने पानी में, कितनी फेमस है कितनी नहीं है, कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा इमोशन है जिसको आप एम कर सकते हैं, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं. यू नो व्हाट इज़ दैट वन थिंग आपके से फॉर एग्जाम्पल रिजॉर्ट के बारे में जो लोगों को नहीं पसंद है, आप उसी को पिन पॉइंट करेंगे और उसी को एनहांस करेंगे. ठीक है, वो हो सकता है. फिर आपको एक राइटर भी ज़रूरी चाहिए जो वर्ल्ड क्लास टू द पॉइंट क्रिस्टल क्लियर, ज़्यादा बोरिंग नहीं, ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन क्रिस्प और क्लियर डिस्क्रिप्शन और टाइटल दे जो अट्रैक्टिव हो. ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, फॉर एग्जाम्पल रिजॉर्ट्स को लेके कोई एक ऐसा इंसान जिसको बहुत नॉलेज हो, जिसने अपनी अच्छी खासी रिसर्च कर रखी हो ऑलरेडी, जिसको पता हो कि कश्मीर में यू नो हिली एरियाज में कैसे रिजॉर्ट्स चलते हैं, यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज एमिनिटीज होनी ज़रूरी है और इनको कैसे एनहांस करना. उसके बाद एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो अच्छी अच्छी आपकी ग्राफिक्स के साथ पिक्चर्स वगैरह भी क्यूरेट करे, GIFs क्यूरेट करे, वीडियोज बनाए, दैट्स इम्पॉर्टेंट. या तो आपका लोगो अगर ठीक नहीं लग रहा है उसको एक तरह से एनहांस करे, या आप ऑफर्स प्रोवाइड करें, डिस्काउंट उसके कूपन्स बना के दे आपको, वैसी वैसी चीज़ें. देन यू हैव अ वेब डेवलपर, होना भी बहुत ज़रूरी है. लाइक आई टोल्ड यू, या तो खाइबर का अपना वेब डेवलपर हो सकता है, या तो यू कैन टेल देम कि हम खुद वो पार्ट आपका संभाल लेंगे, वो भी हो सकता है. देन यू हैव अ कंटेंट क्यूरेटर, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है, आपको जो प्रोजेक्ट मिला है उससे रिलेटेड जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको एक जगह गैदर करें, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करें. फिर आपके पास एडिटर है, फिर SEO स्पेशलिस्ट है, हु विल नो कौन से कीवर्ड्स लगाने, अगर आप गूगल एड्स की बात कर रहे हैं कौन से कीवर्ड्स लगाने, मेटा डिस्क्रिप्शंस, टाइटल्स, व्हाट एग्जैक्टली शुड वी पुट जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग हाई हो और सर्च कोऑर्डिनेट्स बराबर हो. फिर आपका PR मैनेजर होता है. देन यू हैव अ ब्रांड मॉनिटर, जो देखता है कि आपकी कौन सी चैनल्स, अगर आपके पास 10 चैनल्स हैं अक्रॉस डिजिटल मार्केटिंग, Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, ऑल ऑफ दीज यू हैव चैनल्स, इन चैनल्स में से आपके हिसाब का आपके कंपनी के लिए कौन सी चैनल्स बेहतर रहेंगी. अब एज अ रिजॉर्ट आप LinkedIn पे जाएंगे एड पुट करने, तो दैट वुडंट बी वाइज कंपेयर टू Instagram एंड Facebook. यू कैन कम टू LinkedIn लेटर बट कंपेयर टू Instagram एंड Facebook दैट वुडंट बी एज गुड. तो वो चीज़ एक ब्रांड मॉनिटर देखता है. उसके बाद इन्फ्लुएंसर एंड पार्टनरशिप्स मैनेजर, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फ्लुएंसर है बहुत बड़ा, तो आप उसको यू कैन पे हिम टू विजिट खाइबर रिजॉर्ट. आप उसको बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं Instagram पे, तो आप खाइबर की तरफ से यू कैन इन्वाइट देम टू विजिट कश्मीर एंड देन हैव अ स्टे एट खाइबर फॉर 3-4 डेज. उससे क्या होगा,
अब आप उनका खर्चा भी उठा रहे हैं, उनकी टिकट्स भी उठा रहे हैं, फिर आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, उनका खाना पीना रहना सब खाइबर के जिम्मे। बट व्हाट विल दैट गिव यू इज, वो 10 मिलियन को, सो फॉर एग्जाम्पल एक इन्फ्लुएंसर है, लाइक आई टोल्ड यू, यू इनवाइट हिम, यू टेक केयर ऑफ ऑल हिज एक्सपेंसेस, लेकिन बदले में वो आपको क्या देता है, ही फीचर्स योर कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल वो खाइबर रिजॉर्ट पे रुक रहा है, वो अच्छे से स्विमिंग पूल में पिक्चर्स ले रहा है, व्यूज की पिक्चर ले रहा है, खाइबर एज अ होल उसकी टीम की तारीफ कर रहा है, स्टाफ की तारीफ कर रहा है, और फिर वो अपने 10 मिलियन व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स को दिखा रहा है, तो कितने लोग एक्साइटेड होंगे, नहीं हम भी खाइबर जाना चाहते। तो वैसे यू गेट दैट इन रिटर्न, यू गेट एंगेजमेंट, यू गेट लीड्स इन रिटर्न, पोटेंशियल कस्टमर्स इन रिटर्न, ब्रांड अवेयरनेस इन रिटर्न, उनका ख्याल रखने से, वो भी आप उनको, वो एक इन्फ्लुएंसर और पार्टनरशिप्स मैनेजर संभालता है जो कि कंटेंट टीम का पार्ट होता है। उसके बाद एक जर्नलिस्ट होना जरूरी है, एक आर्काइविस्ट होना जरूरी है। अब जर्नलिस्ट क्यों, क्योंकि जर्नलिस्ट जो होते हैं उनको रिसर्च करने की पहले से आदत होती है एंड दे आर गुड एट रिपोर्टिंग, तो वो चीज आपके काम आ सकती है। और एक आर्काइविस्ट कौन होता है, उसको ही नोज की कंटेंट गैदर कैसे करना है, हाउ टू गैदर कंटेंट, और उसको कैसे, मतलब कौन सा कंटेंट किधर संभाल के रखा है। फॉर एग्जाम्पल उसको ये पता होगा कि कश्मीर में रिजॉर्ट्स कितना काम आते हैं, कश्मीर में स्विमिंग पूल होना कितना इम्पोर्टेंट है, और कौन सी, मे बी ही विल आल्सो टेल यू एक इंडोर गेमिंग एरिया होना बहुत ज़रूरी है, उसके वजह से इतने परसेंट आपकी एंगेजमेंट या पोटेंशियल लीड्स बढ़ जाएंगी। तो वैसे ऐसी चीज़ें आर इम्पोर्टेंट। खैर, देन यू हैव मैनेजिंग एडिटर को अगर आप हायर कर रहे हैं तो उनका की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या होता है और की स्किल्स क्या होती हैं। आई नॉट बोर यू विद गोइंग इन टू डिटेल बिकॉज इट्स क्लियरली ऑब्वियस कि क्या क्या है, बट आई टेल यू अ फ्यू थिंग्स। ग्रामर एक्सेप्शनल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोई अगर एडिट कर रहा है आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन, इवन जब हम बुक्स के एडिटर्स की बात करते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ एडिटिंग, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, या सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शंस की बात करें, या ब्लॉग एडिटिंग की बात करें, तो ग्रामर एक्सेप्शनल होना बहुत ज़रूरी है, प्रूफ रीडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो इफ़ यू नोन दिस और नॉट, प्रूफ रीड करना मतलब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज हैं जो प्रूफ रीडर्स हायर करती हैं। तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आर्टिकल है, आपको एक आर्टिकल दिया गया या आपको एक ब्लॉग पोस्ट दिया गया है जो कि पब्लिश होने वाला है, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप वो रीड करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, कहाँ कॉमा फुल स्टॉप कॉनोटेशन मिस्टेक्स है, कहाँ सेंटेंस केस प्रॉब्लम्स है, कैपिटल्स होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, वो सब चीज़ें एक प्रूफ रीडर देखने से बता देता है कि हाँ यहाँ ये गलत है, ये गलत है, देन ही मार्क्स इट कि इसको सही करना है, उसको सही करना है, एंड देन दी एडिटर कैन चेक इट ऑल्सो। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। देन यू हैव एन एसोसिएट एडिटर, यू कैन ऑल्सो पॉज इट एंड सी। Yes, so an associate editor has to have exceptional grammar, like I told you, editing skills, presentation skills. Then you need to have subject matter experts. Okay, so all of these things are important. Now, some things that you might not know, jaise evangelist. Now, what is an evangelist? Evangelist is basically word of mouth marketing. आप इतना ज़्यादा अपने ज़रिए से, एक कंपनी क्या करती है, इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग वर्ड ऑफ माउथ इतना ज़्यादा कि एवरीबडी स्टार्ट्स बिलीविंग इट। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लोदिंग लाइक आई टोल्ड यू, आप पाकिस्तानी सूट्स बेच रहे, तो आप अपनी क्वालिटी और अपनी कलेक्शन को लेके वर्ड ऑफ माउथ शुरू कर देते हो कि बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, ऐसी कलेक्शन किसी और के पास नहीं है कश्मीर में, और ये चीज़ इतना ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू वायरल हो जाती है, सब लोगों में चली जाती है कि पीपल स्टार्ट बिलीविंग इट। ठीक है, उनको ये समझ आ जाता है कि हाँ अगर कहीं कोई नई पाकिस्तानी कलेक्शन आने वाली है वो इनके पास पहले आएगी, फिर बाकी सबके पास आएगी, दे स्ट्रांगली बिलीव इट, और इसकी वजह से वो सब में एक वायरल मार्केटिंग या वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू फैल जाता है। देन यू ऑलरेडी नो इंटरनल टीम में आपके डिज़ाइनर्स आते हैं,
एक्सटर्नल टीम में आप कंसल्टेंट्स या एजेंसीज को हायर करते हैं। एजेंसीज मतलब एक पूरी कंटेंट मार्केटिंग टीम को आप हायर करेंगे। अब देखिए क्या इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जैसे मैंने आपको खाइबर का बोला, आपको खाइबर का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब अगर आप इंटरनल टीम में से किसी को हायर करना चाहते हैं, मतलब आप बाकी सबका ख्याल रख रहे हैं, बस आपको एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, तो आप एक पर्टिकुलर इंसान को हायर करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग का जो भी काम होगा वो उसको देने के लिए, या एक वेब डेवलपर को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करेंगे उसको वेब डेवलपिंग का काम देंगे, वैसे ही विजुअल इफेक्ट्स के लिए भी। और अगर आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही किसी को देना है, इफ इन दैट केस आप सीधे एजेंसीज को हायर करते जो आपका पूरा कंटेंट का प्रोजेक्ट कंट्रोल कर लेती। उसके बाद आप कहाँ ढूंढ सकते हैं इन लोगों को? आप अगर आपको सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए तो आपको कहाँ मिलेगा? या तो हम ट्रेडिशनल तरीके से करें कि न्यूज़पेपर में ऐड दें, सोशल मीडिया पे ऐड दें, या फिर आप लिंक्डइन पे यूज कर सकते हैं। जो आपकी बेसिक जॉब वेबसाइट्स हैं, naukri.com या monster.com पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, लाइक आई टोल्ड यू, शेयर कर सकते हैं, वहां से आपको मिलेगा। या तो फिर आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी ऐड दे सकते हैं, टीवी में, रेडियो में ऐड दे सकते हैं कि आप इन प्रोफेशनल्स को ढूंढ रहे हैं, या आपके जितने भी सोर्सेज हैं। और ऑब्वियसली इफ यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, आपने बहुत लोगों के साथ काम किया हुआ होगा ऑलरेडी। अगर आपके पास कोई ऐसा है जो प्रोफेशनल, जो वर्ड ऑफ माउथ से भी ये बोल सकता है बाकी लोगों को आगे कि आप किसी को हायर करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्ट्रक्चरिंग रिसोर्सेज हैं कि आप जो टीम है आपकी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी ऐसी टीम है जिनको कंटेंट की जरूरत पड़ती है, या तो वो खुद क्रिएट करते कंटेंट या फिर वो कंटेंट इस्तेमाल करते। दीज आर द टीम्स जिनको जरूरत पड़ती है कंटेंट की फॉर ऑब्वियस रीजंस। उसके बाद वी हैव सेंट्रलाइज्ड ब्यूरो सिस्टम, ये भी आपको बताता है कि एक तरफ आपकी राइट हैंड साइड पे आपकी सारी टीम्स हैं दैट यूज कंटेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी कंटेंट कमिटी है जो इन सब लोगों को कंटेंट देने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी नीचे यू कैन सी इंटरनल टीम एंड एक्सटर्नल टीम, तो दीज आर द पीपल जो क्रिएट करते हैं कंटेंट, एंड दीज आर द पीपल जिनको ऊपर जो राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लोग हैं दे रिक्वायर कंटेंट, वो कंटेंट इस्तेमाल करते हैं, और नीचे जितनी भी टीम्स हैं वो कंटेंट क्रिएट करती हैं। दैट्स इट। उसके बाद यू हैव प्लानिंग कंटेंट। तो प्लानिंग कंटेंट में सबसे पहली चीज आती है कि आपको कौन से टाइप का कंटेंट पोस्ट करना है। अब आई ऑलरेडी टोल्ड यू हर किसी प्लेटफॉर्म का अपना अपना कंटेंट होता है, एंगेजमेंट ड्राइव करने के लिए भी अलग अलग कंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना ब्रांड समझना बहुत जरूरी है, और फिर जो कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हैं किस बारे में पोस्ट कर रहे हैं, और इस कंटेंट से आप हासिल क्या करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कुछ ऐसा कंटेंट होता है जैसे वीडियो है तो आपके इतने व्यूज हो, या फिर हर कंटेंट के पीछे आपने कोई एक पोस्ट में कॉल टू एक्शन लगा दिया, सब्सक्राइब बटन, या व्यू मोर लगा दिया, या मैसेज मी लगा दिया, या बुक नाउ लगा दिया, कॉल टू एक्शन बटन्स, वो आपका वो गोल है तो वो भी आगे देख सकते हैं हम। देन यू हैव कंटेंट क्रिएशन के टॉपिक्स। वॉट डज इट से? फॉर एग्जाम्पल अब आपको कंटेंट क्रिएट करना है या कंटेंट राइटिंग की बात करें हम, तो आप एक पर्टिकुलर कंटेंट लिख रहे हैं एक प्रोडक्ट के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या ब्लॉग के बारे में, तो वो आपके बिजनेस गोल से अलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड हो आपका कंटेंट। आई हैव बीन टेलिंग यू दिस सिंस वेरी लॉन्ग, तो ऑल ऑफ दिस यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल बिकॉज इट इज क्वाइट क्लियर कि यू हैव टू हैव, यू नो, योर बिजनेस शुड बी अलाइन विद योर कंटेंट। तो अगर आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं यू कैन प्रायोरिटाइज इट ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक्स, मतलब इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रांड अवेयरनेस को लेके कंटेंट लिख रहे हैं तो आपके इनिशिएटिव्स उसमें होने ज़रूरी है, ठीक है? उसमें कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आपको लिखना है। उसके बाद यू हैव कंटेंट मार्केटिंग गोल्स। नाउ इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी। ब्रांड अवेयरनेस एवरीबडी नोज, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस मतलब कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में अपनी अथॉरिटी स्टेट करते हैं। जैसे अगर मोबाइल फोन्स की बात करें तो एप्पल की अथॉरिटी है एनी डे,
ठीक है, वैसे ही अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें दो तीन नाम आते हैं। आई एम नॉट श्योर आप किसको टॉप पोजीशन अथॉरिटी देंगे, वेदर यू विल गिव इट टू नॉर्थ फेस, रीबॉक, नाइकी, यू नो, जब आप स्पोर्ट्स में क्लोथिंग या गेयर की बात करते हैं तो। देन यू हैव सोशल प्रूफ। नाउ व्हाट इज सोशल प्रूफ, ये बहुत जानना जरूरी है। आपको अगर पता नहीं है सोशल प्रूफ क्या होता है, तो इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक जैसे आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं, ठीक है। अब आपने कुछ पोस्ट कर दिया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है? अब ऐसा होता है कि आपने जैसे सोशल मीडिया पे देखा, फॉर एग्जाम्पल आजकल कितनी वाइल्ड फायर की तरह खबर फैल जाती है। अभी रिसेंटली कल आई वॉज चेकिंग द न्यूज और NDTV पे आ रहा था कि मुंबई में किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था कि लोकल ट्रेन चालू हो गई है, एंड सडनली देर वर ह्यूज क्राउड्स ऑफ पीपल ऑन ट्रेन स्टेशन। तो 20,000 25,000 लोग बेसिकली, ये जो मजदूर वगैरह जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो जमा हो गए थे बिकॉज दे थॉट कि ये सच है और वो अपने अपने घर जाना चाहते थे। वॉट इज दिस? दिस इज वायरल कितनी हो जाती है न्यूज, और हाउ पीपल स्टार्ट बिलीविंग इट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। यू आर सिटिंग इन अ रूम फुल ऑफ पीपल, या आपने भी मत अपने स्कूल टाइम में एक्सपीरियंस किया होगा, आप क्लास में बैठे, सडनली टीचर आता है, गुड मॉर्निंग खुद से निकल जाता है, और जैसे आप सब एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप अटेंटिव नहीं है, यू सी पीपल स्टैंडिंग, आपके इर्द गिर्द लोग खड़े हो रहे, आप भी ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे खड़े हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड बैंड वैगन इफेक्ट। जो आपके साथ वाले लोग कर रहे हैं वही आप भी करेंगे, बिना सोचे समझे एंड बिना यू नो यूजिंग योर इंटेलेक्ट कि ये करना सही है या नहीं है। वैसे ही जब आप देखते हैं, आपने देखा होगा आपके एक्सप्लोर ऑप्शन में कितने लोग लाइक करते हैं, या ट्विटर अगर आप चलाते होंगे आपको फीड में हमेशा ट्वीट्स आते हैं दिस पर्सन लाइक्ड, या आपको इंस्टाग्राम पे आता होगा कि आपके फ्रेंड ने ये लाइक किया है, तो ऑटोमेटिकली आप भी लाइक करते हैं, या आपके फ्रेंड ने कुछ शेयर किया, यू लाइक इट, आप भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। मोस्ट पीपल यही करते हैं। अच्छा, कभी किसी ने कुछ कमेंट, मोदी जी ने बोल दिया कि मोमबत्तियां जलानी है, तो कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, रणवीर सिंह, दीपिका पाडुकोण, ऑल ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज, ये लोग भी मोमबत्तियां जला रहे हैं, तो उनको जो फॉलो कर रहे हैं वो भी अंधाधुन बिना सोचे समझे, वेदर इट हैज एन इफेक्ट और नॉट, इफ डूइंग दिस विल बी अ गुड थिंग और नॉट, वो भी कर देते हैं। दैट इज वॉट इज सोशल प्रूफ। मतलब अगर किसी बड़े इंसान ने या इन्फ्लुएंसर ने या सेलिब्रिटी ने आपको अप्रूव कर दिया, या आपकी किसी एक्टिविटी को एक्सेप्ट कर लिया, या फिर बहुत लोगों ने बिना सोचे समझे, जैसे हम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कुछ भी करते हैं हम उनको फॉलो कर देते हैं, दैट इज सोशल प्रूफ। मतलब एक ने किया तो सब उसके पीछे पीछे करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नो, कस्टमर एक्विजिशन, के आप कस्टमर को अक्वायर करना चाहते हैं, जितने कस्टमर हो उतने आपके पास आ जाएं, दैट्स इट, दिस शुड बी योर कंटेंट मार्केटिंग गोल्स। मतलब जब भी आप कंटेंट क्यूरेट करते हैं और जब भी आप कंटेंट बनाने के बाद उसको पोस्ट करते हैं, उसके पीछे के रीजन ये होने चाहिए। उसका मतलब ये होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आप खाइबर रिजॉर्ट हैं, तो आप अपने ऑफर्स, आप अपनी सर्विसेज लिस्ट करते हैं एक पोस्ट में कि हमारे पास जी पूल है, हीटेड पूल है, हमारे पास व्हाट डू यू कॉल इट, इंडोर गेम्स एरिया है, हमारे पास मूवी थिएटर है। ये सब चीजें जब आप लिस्ट करते हैं, ये आप अवेयरनेस के लिए करते हैं कि हमारे पास ये सर्विसेज है, तो वो ब्रांड अवेयरनेस गोल आ गया इस पोस्ट के पीछे। फिर लाइक आई टोल्ड यू, बाकी सारी कस्टमर एक्विजिशन है तो आप ये भी लिख सकते हैं, या रेफरेंस है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये बड़ा सेलिब्रिटी हमारे रिजॉर्ट में आया था, वो रह के गया, उसने देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे रिजॉर्ट के बारे में की, तो उनके जो फॉलोअर्स है वो भी आना पसंद करेंगे। एक सेलिब्रिटी ने हीटेड पूल में बड़ी जबरदस्त बैक शॉट उनका पिक्चर इंस्टाग्राम पे चढ़ा दिया, तो आप उनके फॉलोअर होने के नाते या आप फ्रेंड होने के नाते भी एक्साइट हो जाते हैं कि नहीं, इसकी पिक्चर तो बहुत अच्छी आई है, मैं भी वहां जाके ऐसी पिक्चर लेना चाहता हूँ। यू नो दीज पाइन ट्रीज इन द बैकग्राउंड, स्नो कवर्ड, बहुत खूबसूरत पिक्चर, तो ऐसी ऐसी, दिस इज वॉट इज मेंट बाय कि आपके गोल्स क्लैरिफाई होने चाहिए। उसके बाद हाउ डू यू मैप कंटेंट विद अ फनल। नाउ फनल इज अ होल अनदर टॉपिक,
जो हम आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इफ आई स्टार्ट आई हैव टू फिनिश इट. यू हैव थ्री पोर्शंस इन अ फनल, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल. अब इसके ये किस लिए होता है? फनल जो है वो हम बनाते हैं, आपको मैं पिक्चर दिखा दूँ, दिस इज अ फनल. अब इस फनल के थ्रू हम कंटेंट मैप करते हैं, मतलब टॉप ऑफ द फनल जो आपका होता है वो अर्ली स्टेज होता है, मिडिल स्टेज होता है, फिर लास्ट स्टेज होता है. और इसके मदद से आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं पहले जो है आप कंटेंट बनाते कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, फिर उसको इंटरेस्टेड रखने के लिए, और लास्ट में उस जो डील है वो पक्की करने के लिए. ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर को आपको अक्वायर्ड कस्टमर बनाने के लिए. ये सब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. फिलहाल आप आज के लेक्चर को थोड़ा नज़र मारिएगा. आप गूगल कर सकते हैं बहुत इजीली कि आपको हायर करनी है अगर टीम, तो उसमें कौन कौन से लोग होने चाहिए, क्यों होने चाहिए. तो इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल, किस किस्म का कंटेंट होना चाहिए. सम ऑफ द लिंक्स आई लिंक डाउन बिलो, तो विच एवर इज नेसेसरी, एंड रेस्ट विल डू टुमारो इंशाल्लाह. Let me know if you have any issues or any confusions about this lecture. I'll be available at work.